आपको बिल्कुल सिंपल, हेल्दी और टेस्टी हरी मेथी और पोहे से नाश्ता बनाना बताती हूँ। कैसे बनाया जाता है ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए ये हमने आधा कप पोहा लिया है, जिसे चिड़वा भी बोलते हैं। डेढ़ कप मेथी, इसे हमने अच्छे से साफ करके इसके अंदर जितनी भी मोटी डंडियां थी वो निकाल दी है। सबसे पहले हम पोहे को धोइए। इसके लिए हमने ये बॉल लिया है, इसके ऊपर हम चलने रख देते हैं और जो हमने पोहा लिया था वो डाल देते हैं और पोहे को धो लेते हैं। ये हमने पोहे को धो लिया है, अब हम इस पानी को फेंक देते हैं। ये हमने बॉल लिया है, अब हम पोहों को इसके अंदर डाल देते हैं। अब पोहों को हम फूलने के लिए साइड में रख देते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब हम नाश्ते में डालने के लिए फ्रेश मसाला बना लेते हैं। इसके लिए हमने ये मिक्सी का जार लिया है। अब हम इसके अंदर आधा इंच अदरक डालेंगे, जिसे हमने छोटे पीस में काट लिया है। अब हम इसके अंदर 3 लहसुन की कली डाल देते हैं। अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते तो इस मसाले को आप बिना लहसुन के भी बना सकते हैं। 2 हरी मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून साबुत धनिया, आधी टीस्पून जीरा। अब हम इन सभी चीजों में बिना पानी डाल करके मिक्सी या दरदरा पीस लेते हैं। ये हमने मसालों को मिक्सी या दरदरा पीस लिया है। अब ये पोहे भी फूल गए, अब हम इनको हाथ से अच्छे से मैश कर लेते हैं। अब ये पोहे भी मैश हो गए हैं। अब जो हमने मेथी ली थी, मेथी को हम इस तरीके से हाथ से तोड़ते हुए डालेंगे। आप चाहे तो मेथी को मोटा मोटा चॉप भी कर सकते हैं। ये हमने सभी मेथी को हाथ से मोटा मोटा तोड़ लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं, इसे भी हमने मोटा मोटा काट लिया है। ये हमने एक छोटे साइज की प्याज लिया, जिसे हमने लंबे पीस में काट लिया है, वो डाल देते। अब हम इसके अंदर जो हमने मसाला पीसा था वो डाल देते। जब हम इस तरीके से फ्रेश मसाला पीस करके डालते हैं तो नाश्ता बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होता है। अब इस नाश्ते को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए अब हम इसके अंदर कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने एक चुटकी हींग ली है, वो डाल देते। आधी टीस्पून लाल मिर्च, लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, उसको ध्यान में रखते हुए आप मिर्च का इस्तेमाल करें। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा। 1 टेबल स्पून सफेद वाले तेल, इससे नाश्ता देखने में सुंदर लगेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। 1 टीस्पून चाट मसाला, आप चाट मसाले की जगह 1 टीस्पून अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे खटाई बोलते हैं, और आप चाहे तो आधे नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक टेस्ट के अनुसार। अब हम सभी चीजों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हमने आधा कप बेसन लिया है, वो डाल देते। बेसन को मिक्स कर देते। अभी हम इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने नमक डाला है, उसकी वजह से सभी सब्जियां पानी भी छोड़ेंगी। ये हमने बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी ये मिश्रण थोड़ा सा ड्राई लग रहा है। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं। पानी को मिक्स कर देते। ये हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये मिश्रण बनके तैयार हो गया है। अब हम इस डो में से टिक्की बनाएंगे। उसके लिए हाथ में हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं, जिससे कि डो हाथ में चिपकेगा नहीं, और इसमें से हम थोड़ा सा डो ले लेते हैं। डो आप अपने हिसाब से ले लेंगे, टिक्की का साइज आपको क्या रखना है उस हिसाब से आप डो ले लें। मैं छोटे छोटे साइज की टिक्कियां बनाऊंगी, इसीलिए मैंने ये छोटे नींबू के बराबर का डो लिया है। अब हम इसकी टिक्की बना लेते हैं। हमें इस तरीके से टिक्की को बनाना है और इस तरीके से हम दबा देते। देखिए टिक्की बनके तैयार हो गई है और इसे हम प्लेट में रख देते। अब मैं आपको दूसरी बना के दिखाती हूँ।
देखिए टिक्की भी बनके तैयार हो गई है। इस तरीके से हम सभी टिक्की बना के तैयार कर लेंगे। ये हमने टिक्कियों को बना लिया है, अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने पैन में 4 बड़े चम्मच ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब ये ऑयल गरम हो गया है, हमें फ्राई करने के लिए तेज गरम ऑयल चाहिए। अब हम टिक्कियों को इसके अंदर डाल देते हैं। हम इन टिक्कियों को सेलो फ्राई कर रहे हैं, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब हम टिक्कियों को मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देते हैं। ये टिक्कियां खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती हैं, आप भी इनको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका मैसेज आप तक सबसे पहले आए। ये एकदम फ्री है। जब ये टिक्कियां हल्के गोल्डन कलर की हो जाएंगी इसके बाद हम इनको पलटेंगे। अगर हम कच्चे पलटेंगे तो हो सकता है ये टूट जाए। अब ये टिक्कियां हल्के गोल्डन कलर की हो गई है, अब हम इनको पलट देते हैं। हमें इनको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से सिक्के तैयार हो। दूसरी तरफ से भी फ्राई होने देते हैं। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। जब ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर की फ्राई हो जाएंगी इसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। अब ये टिक्कियां दोनों तरफ से फ्राई हो गई हैं। इनको आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी फ्राई कर सकते हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे कितनी बढ़िया फ्राई हुई है। ये हमने टिक्कियों को निकाल लिया है, इस तरीके से हम सभी फ्राई कर लेंगे। ये सभी टिक्कियां बनके तैयार हो गई है, आप देख पा रहे हैं पोहे और मेथी की कितनी बढ़िया टिक्की बनके तैयार हुई हैं। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए देखने में कितनी बढ़िया लग रही है, और ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, और ये ऊपर से क्रिस्पी होती है और अंदर से सॉफ्ट। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तोड़ के भी दिखा देती हूं। देखिए देखिए अंदर तक कितनी बढ़िया सिक्की हुई है। आप इसे हरी चटनी, टमाटो, केचप आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये सभी के साथ खाने में टेस्टी लगती हैं। आप भी इनको बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप इनको कब बना रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए कि आपकी टिक्कियां कैसी बनी। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।